गया भाई, टाइम हो गया 4:30। सो गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक उम्मीद करता हूँ आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे। ये देखो आपके सामने दो गाड़ियाँ हैं, इन दोनों का ज़बरदस्त कंपटीशन है, ये एक ही सेगमेंट में आती है। आज इन दोनों का आपको मैं कंपैरिजन करूँगा, टेस्ट ड्राइव नहीं करूँगा। टेस्ट ड्राइव की जो मैं वीडियो हो वो ऑलरेडी डाल चुका हूँ दोनों गाड़ियों की। आज इनका जो स्पेस है, एवरेज क्या देती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले हम वैगनर की बात करेंगे। ये इंडिया की इस समय टॉप सेलिंग कार है, मतलब अभी जुलाई की बात करें तो 22,000 यूनिट इस गाड़ी की सेल हुई है। तो आगे से अगर आप फ्रंट की बात करें, ये पहले बता दूं आपको, LXi मॉडल है। दोनों की दोनों गाड़ी CNG है, कंपनी फिटेड CNG है। LXi ही CNG में आती है, इसके अलावा वैगनर की और कोई कार CNG में नहीं आती है। तो ये जो आप फ्रंट का देख रहे हो, इसका लुक एक क्लासिक लुक है। यहाँ पर ये क्रोम की वो दे रखी है, फोग लाइट नहीं आएंगी, ये एसेसरी का पार्ट है। दूसरी तरफ अगर हम सेंट्रो की बात करें तो ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, लेकिन इसका CNG में मैग्ना वेरिएंट भी आता है। मैग्ना वेरिएंट में यहाँ पर ये फोग लाइट नहीं होगी, लेकिन ये चौड़ी ग्रिल है जो इसका लुक उससे बेटर बनाती है। अगर बात करें लुक की दोनों के फ्रंट की, तो इसका लुक इससे बेटर है। ये टोल बॉय के रूप में आती है और ये आइटन ग्रैंड और आइटन के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। इसके अलावा बात करें हम इनकी ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो दोस्तों यहाँ डिफरेंस आता है दोनों कारों में। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm की है और इसकी 163 की। यानी अगर गांव देहात में हम बात करें तो ये गाड़ी ज़्यादा कामयाब होगी, क्योंकि खड्डे वगैरह ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका ये सेंट्रो का मैं ओनर खुद ही हूँ, मेरे फादर यूज़ करते हैं, तो ये कई बार लग जाती है क्योंकि इसको हम लोकल में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ इस गाड़ी में ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छी है। अब हम बात करेंगे इसके बैक प्रोफाइल की। देखो बैक प्रोफाइल में पहले वैगनर की बात करता हूँ यार, मेरे को बैक प्रोफाइल में दोनों गाड़ियों के हिसाब से वैगनर का लुक, ये जो लाइट है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये टोल बॉय के रूप में है और यहाँ पर देखो ये भी मिल जाते हैं आपको, दो पार्किंग सेंसर, ये एसेसरी का पार्ट है, ये कैमरा। तो इसका जो लुक है ना, ये वाली लाइटिंग, बैक लाइट, ये बेहतरीन है। जबकि इसका पीछे से लुक ऐसा लगता है जैसे आइटन ही हो या आइटन ग्रैंड हो। यहाँ पर भी आपको दो पार्किंग सेंसर मिले हुए हैं। इसके अलावा मैं अभी आपको इसका बूट स्पेस और खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए 10 किलो की CNG सिलेंडर है। इसके फिट होने के बाद कहीं भी आपको स्पेस नहीं मिलेगा। अगर आप पार्सल ट्रे पर, ये कंपनी फिटेड है पार्सल ट्रे, अगर आप मैग्ना वेरिएंट लेंगे उसमें पार्सल ट्रे नहीं आएगी। अगर आप यहाँ कुछ सामान रखना भी चाहोगे तो फिर बैक का मिरर है ना, वो फिर आप यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको साइड मिरर से ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं आपको वैगनर को और दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए इसका बूट स्पेस देखिए, मतलब CNG लगने के बाद भी यहाँ स्पेस आपको मिल रहा है, आप थोड़ा बहुत लगेज रख सकते हो। और पार्सल ट्रे तो उसका क्या कहते हैं, एसेसरी का पार्ट है, तो यहाँ पर वैगनर को एज मिल रहा है क्योंकि बूट स्पेस अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर CNG सिलेंडर होने के बावजूद भी आप कुछ लगेज इसके अंदर रख सकते हो। अभी हम आपको एक बार इंजन की ओर दिखाएंगे। आगे अच्छा, तो ये है 1100 cc का इंजन 1.1, जिसकी 68 bhp की पावर और 98 का टॉर्क है। इसमें सिंगल इंजन ही आता है, जब आप CNG में चलाओगे तो इसका टॉर्क भी घट जाएगा और bhp पावर जो है वो भी 58 पे पहुंच जाएगी। 1.1 ही इंजन आता है, इसमें ऑप्शन सिर्फ एक ही है।
ये इंजन है 1. यानी 1000 cc का इंजन, के सीरीज। इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, 1.2 का भी आता है वैगनर का, जिसमें बस 82 BHP की पावर है, जबकि इसमें 67 BHP की पावर है और तकरीबन 90 का टॉर्क है। CNG में इसका भी टॉर्क घट जाता है, जो कि 58 के आसपास हो जाता है। बॉडी की बात करें तो भाई जैसी मारुति की होती है, हल्की है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो उससे अच्छी है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये बम भी लगा हुआ है, गाड़ी लग गई थी बाइक पे, बहुत स्पीड से लगी थी, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अभी अंदर की बात करते हैं हम स्पेस की। स्पेस के अंदर इस साइड आ जाए परफेक्ट, हाँ उस साइड, हाँ उस साइड तेरे राइट। तो ये हमारे दोस्त हैं गोचू जी, इन्होंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको आगे की फ्रंट की सीट एडजस्ट, स्क्रीन की हाइट 5'8" है। देखिए उसके बाद भी इसमें स्पेस जो है, लेग रूम ठीक ठाक है यार। सीट की बात करें तो ये कंफर्टेबल है, रियर एसी मिलता है, लेकिन मैगना 2021 में वेरिएंट पे आपको रियर एसी नहीं मिलेगा। तो चौड़ाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन स्पेस ठीक ठाक है, दो जने ही बैठ सकते हैं यार। तीसरा जना तो वैसे बिठाने में 4 बिठा दो 5 बिठा दो कोई दिक्कत नहीं है। आ जा तू वैगनर में बैठ कर दिखा, उसमें अपने एडजस्ट कर। अपने हाइट क्या, ये देखिए इन्होंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया है। और आप स्पेस देखिए, मतलब उससे ज़्यादा स्पेस है वैगनार में, उससे ज़्यादा स्पेस है। इसका कारण ये है कि इसकी लेंथ सेंट्रो से ज़्यादा है, भले ही उसकी चौड़ाई 19-20 ज़्यादा हो, लेकिन वैगनार को यहाँ पर एज मिलता है। बूट स्पेस में भी एज मिल रहा है, लेग स्पेस में भी एज मिल रहा है, अच्छा खासा लेग स्पेस यहाँ पर मिल रहा है। दो जने आराम से लॉन्ग ड्राइव पे बैठ सकते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें सेंट्रो से। इसकी भी सीट जो है कुशनिंग अच्छी है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं अगर बात करूँ तो पीछे की सीट सेंट्रो से ज़्यादा वैगनार ही कम्फर्टेबल है। तो इसकी बात करें भाई स्टेयरिंग की, तो ये कुछ नहीं मिलेगा इस पर आपको, कोई माउंटेन कंट्रोल नहीं मिलेंगे, क्योंकि LXi CNG में ये अवेलेबल नहीं होता। यहाँ अपनी फिटेड है, ये अच्छी बात है यार, अपनी आप अपनी मर्जी से लगवा सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही पावर विंडो आती हैं। ऑप्शनल लोगे तो ड्यूअल एयरबैग मिलेगा, ये ऑप्शनल है, और सिंगल लोगे तो आपको सिर्फ एक एयरबैग मिलेगा। ये CNG का बटन है, यहाँ से CNG आप स्टार्ट वो स्टॉप कर सकते हो। तो अब हम सेंट्रो में बैठ के दिखाते हैं आपको। मतलब एक और बात बता दूँ, बैठने के बाद इस गाड़ी में आपको थोड़ा सा ऊंचा फील होगा, सेंट्रो में भी बैठने में कंफर्टेबल है। आगे का जो बोनट है वो मुझे दिख जाता है, मैगना में ये माउंटेन कंट्रोल नहीं मिलेंगे, ये टच सिर्फ स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स अगर मैगना में अगर आप लोगे तो म्यूज़िक सिस्टम उसमें भी इंस्टॉल हुआ मिलेगा। इधर ये जो इधर पावर विंडो है, यहाँ पर चारों पावर विंडो है, ये थोड़ी सी यार अजीब सी लगती है मुझे, मुझे लगता है यहीं पर पावर विंडो डोर पर देना चाहिए। सेंट्रो ने थोड़ा सा, हुंडई ने थोड़ा सा अलग सा सिस्टम किया था। तो यार कंफर्टेबल
की बात करें तो सीटिंग की बात करें तो इसकी कुशनिंग अच्छी है 19-20 ऊंची, लेकिन वहाँ पर आप बैठोगे क्योंकि वो टॉल बॉय के रूप में आती है वैगनार, तो वहाँ अच्छी मतलब आपको ऊंचा फील होता है, आपको लगता है कि हाँ थोड़ी ऊंची जगह में बैठे हुए हैं, या आपको थोड़ा सा लगेगा कि हम थोड़ा सा डाउन हैं। तो ये इसकी कंफर्टेबल थी, तो कहें 19-20 का कंफर्टेबल का फ़र्क। तो दोस्तों अब मैं इसका फाइनल कंक्लूजन आपको बता दूँ दोनों गाड़ियों का। अगर आपको सिटी के लिए चाहिए, फन ड्राइव के लिए, आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अच्छा इंटीरियर चाहिए, इसका जो अंदर का भी इंटीरियर है वो भी अच्छा है, जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी हार्ड है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए, जैसा कि पेट्रोल में इसकी माइलेज 20 की है तो इसकी 22 की है, सीएनजी में इसकी 30 है तो इसकी 32 की है, आपको अच्छी माइलेज चाहिए, आपको मतलब लो मेंटेनेंस कार चाहिए, आपको एक अच्छी रीसेल चाहिए क्योंकि ये गाड़ी हाथों हाथ बिक जाएगी, और मतलब इसके इसकी अगर आप बात करें कंपेरिजन स्पेयर पार्ट, एक तो कॉस्टली मिल रहे हैं और ईज़िली अवेलेबल नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, आपको वेटिंग करना पड़ता है, इसका ऐसा नहीं है, तो आप वैगनार की तरफ जा सकते हैं। माइलेज हमने दोनों की टेस्ट कर रखी है, जिसके इसके ओनर 32-33 की एवरेज बताते हैं हाईवे पे सीएनजी की, तो इसकी हमने आप मेरी वीडियो में जा सकते हैं, पिछली वीडियो हमने हाईवे पे इसकी माइलेज टेस्ट कर रखी है, हमने इसकी माइलेज बम्पर टू बम्पर ड्राइव में भी कर रखी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीएनजी में तो दोनों बराबर हैं, लेकिन पेट्रोल में ये गाड़ी आगे निकल जाती है। और सबसे बड़ी बात आपको और बता दूं, दोनों कंपनी फिटेड सीएनजी हैं, लेकिन इसमें जब सीएनजी भी आप गाड़ी कन्वर्ट करोगे तो आपको फील होगा कि गाड़ी सीएनजी में जा रही है, लेकिन जब आप इसको सीएनजी में चलाओगे ना तो आपको धोखा रहेगा कि आपको लगेगा नहीं सीएनजी कन्वर्ट हुई है नहीं हुई, आप बार बार सीएनजी के मीटर को चेक करोगे कहीं गाड़ी पेट्रोल में तो नहीं चल रही, यानी इसमें बिल्कुल भी लैक नहीं आता सीएनजी में और गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती है। तो दोस्तों कंपैरिजन मैंने वर्डी आपको दे दिया है कि अब आपको देखना है कि कौन सी बेटर है, आपको सिटी के लिए चाहिए, आपको एवरेज आपके लिए माइलेज आपके लिए कोई मैटर नहीं करती, और अगर आपको एक अच्छी रीसेल वैल्यू और एक अच्छी माइलेज और लो मेंटेनेंस कार चाहिए तो आप इसकी साइड चले जाइए, बिल्ड क्वालिटी वाली कार चाहिए आपको और आपको मतलब फन ड्राइव फॉर सिटी, क्योंकि इसके एक्सीलेटर वगैरह क्लच गेयरबॉक्स सब लाइट है इसके कंपैरिजन, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये गाड़ी थोड़ी सी आपको ओवर कॉस्ट पड़ेगी इसके कंपैरिजन में। तो ये था मेरा यार फाइनल वर्डिक्ट, टेस्ट ड्राइव मैं नहीं कर रहा क्योंकि टेस्ट ड्राइव मैं इन दोनों गाड़ियों की कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर इन दोनों गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ग्रे कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय एंड टेक केयर।